है नमस्कार। देखिए दो भयानक दृश्य, एक ज्यादा भयानक है। एक है केरल में इतनी भारी वर्षा हुई है कि वहां का जो मॉल है वो सबसे टॉप क्लास मॉल जो है वह पूरा तालाब बन गया है, पूरा पानी से भर गया है, तालाब बन गया है। कोई लिखता है यह तो लगता है कोई वॉशिंग मशीन है, कोई लिखता है स्विमिंग पूल है, या मॉल पूरी तरह से पानी से भर गया है। और दूसरा जो पिक्चर है, दूसरा जो वीडियो है वह और भी जरा खतरनाक है, और भी जरा हृदय विदारक है। बिहार में जहां तापमान 47 क्रॉस कर गया, दिल्ली में तो 50 क्रॉस कर गया, यहाँ 47 क्रॉस कर गया, इस हीट वेव में एक स्कूल, शेखपुरा स्कूल के बच्चों ने, देखिए हीट वेव का असर, और हीट वेव का असर तो है ही, लेकिन स्कूल में या अस्पताल में ऐसा कोई ठीक इंतजाम भी नहीं है कि पेशेंट को ट्रीट किया जाए। बच्चों को तो ला रहे हैं लेकिन न टीचर जानते हैं, न हॉस्पिटल के डॉक्टर जानते हैं कि क्या करना है, वो कुछ नहीं जानते, कोई कुछ नहीं जानता। वहां बेड लगा हुआ है, जैसे डॉर्मेट्री में लगा हुआ है, ढाबा में लगा हुआ है, वह सुला देते हैं, उसके बाद भगवान भरोसे। किसी को मालूम नहीं है, किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि हीट वेव में जो आक्रांत है तो उस बच्चों को कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या इलाज देना चाहिए, किसी को मालूम नहीं है। और यह हीट वेव से ये तड़प रहे हैं, कोई बेहोश हो गया, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। सिर्फ उनके पेरेंट्स और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स उनकी मदद कर रहे हैं, और जब अस्पताल में जाते हैं वहां किसी को कुछ परवाह नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं है क्या करना होगा। तो यह है बिहार का हालत, और बिहार का हालत तो ऐसे ही रहता है जब तक हमारे मूर्ख मंत्री व सेक्स ज्ञान देने वाला घमंडी अहंकारी ऐसे ही जब मुख्यमंत्री रहेगा तो बिहार का हालत ऐसी होगा। तो देखिए वीडियो, हम सबके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो देखिए ऐसे खाली ऐसे दत्ता लगते नहीं, खाली दत्ता कटाइए तो नहीं।